हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं वीआईपी टैग चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरीके का फुल स्क्रीन वाला डायरेक्ट स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पे इंट्रो में देखा है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके का एक ट्रेंडिंग वाला स्टेटस वीडियो अपनी फोटोज को लगाकर क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों और पूरा देखना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप इस तरह का जो स्टेटस वीडियो है काफ़ी आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए यार हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एलाइट मोशन। अगर आप सबके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो ये वाला जो एप्लीकेशन है आप सबको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उधर से जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप सबको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। उधर से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद अभी आप लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा तो उसको ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको ओपन करता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे दो लिंक देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट वाला लिंक रहेगा वो बीट मार्क प्रोजेक्ट के नाम से रहेगा और जो सेकंड वाला रहेगा वो शेक प्रेसेड लिंक के नाम से रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बीट मार्क प्रोजेक्ट वाले लिंक पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस लेता है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करना, उसके बाद डायरेक्ट आपके एलाइट मोशन एप्लीकेशन में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इधर इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, 0 से 100% तक प्रोसेस लेता है, उसके बाद डायरेक्ट हमारे एलाइट मोशन एप्लीकेशन में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो गाइस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद अभी हम लोग इसमें अपनी फोटोज को और वीडियोज को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि कितना सारा बीट मार्क इसमें दिया गया है, इन सभी बीट मार्क में हमको फोटोज को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्टार्टिंग में बिल्कुल 0 पे। यहाँ पे स्टार्टिंग में आने के बाद हम लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपना उस वाले फोल्डर को इधर से सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमारा सारा मटेरियल है। तो इधर से मैं एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरा सारा मटेरियल रखा हुआ है, तो इधर से मैं इस वाले फोल्डर को कर लेता हूँ सिलेक्ट। और दोस्तों जितना भी मटेरियल यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा वो सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में, सब कुछ फ्री में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उधर से जाके आप लोग इसको डाउनलोड ही कर लेना। तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप सबको मेरे इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उधर से जाके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इस लिरिक्स वाले वीडियो को सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा आगे की तरफ आना और इसी वाले लिरिक्स वीडियो पर क्लिक करना। और अगर ये सही से स्क्रीन में एडजस्ट ना रहे फुल स्क्रीन में तो आप लोग 3 डॉट पर क्लिक करना और फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना, तो ये अच्छे से स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पर 8.21 सेकेंड तक अपने आप ऑटोमेटिक लग जाएगा, ये पूरा वीडियो लग जाएगा जहाँ तक हमें लगाना है। उसके बाद ये जहाँ तक वीडियो ऐड है उसके आगे आ जाएंगे 8.21 सेकंड पर अपने फर्स्ट वाले बीट मार्क पे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपना उस वाले फोल्डर को इधर से सिलेक्ट करेंगे जिनमें हमारी सारी फोटोज़ हैं। तो इधर से मैं एक कोई भी फोल्डर को कर लेता हूँ सिलेक्ट जिसमें मेरी सारी फोटोज़ रखी हैं। आप लोग भी अपना फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना जिसमें आपकी सारी फोटोज़ हैं। तो इधर से मैं एक फोल्डर को कर लिया हूँ सिलेक्ट और अपनी फर्स्ट वाली फोटो को इधर से कर लेंगे ऐड। फर्स्ट वाली फोटो को ऐड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे आते हैं, उसके बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोटो है अच्छे से स्क्रीन में एडजस्ट हो जाएगा फुल स्क्रीन में। उसके बाद नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर आएंगे और फोटो का इधर से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपनी सेकेंड वाली फोटो को ऐड करेंगे और सेम उसी तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आ जाएंगे और फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट को इधर से कट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपनी तीसरी वाली फोटो को इधर से ऐड कर लेंगे। ऐसे ऐड करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आएंगे और फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट इधर से कट कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी बीट मार्क दिख रहा है सब में एक एक करके आप लोग ऐसे ही फोटोज़ को ऐड कर लेना। तो मैं फटाफट से फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे क्या करना है फिर दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी फोटोज़ को ऐड कर लिया, यहाँ पे जितना भी बीट मार्क दिख रहा था सब में मैंने सारी फोटोज़ को ऐड कर लिया कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से दोस्तों आप लोग भी फोटोज़ को ऐड कर लेना। फोटोज़ को ऐड करने के बाद हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे
यहाँ स्टार्टिंग में आने के बाद 8.21 सेकंड पे आने के बाद हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सेप वाले ऑप्शन पे आ जाना। सेप वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप लोग यहाँ नीचे की लाइन में जो थर्ड नंबर पे फर्स्ट वाला आता है इस पे क्लिक करना और इस वाले सेप को ले लेना है आपको। इस वाले सेप को लेने के बाद अभी आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक करना और फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर एंड फिल का, इस पे क्लिक करना और इधर से आप लोग इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना। इस वाले कलर को आप लोग सिलेक्ट करने के बाद आप लोग इसको कर देना बिल्कुल डार्क, ठीक है। इधर इस पर करने के बाद आप लोग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको कलर अच्छा लगता है। कलर को सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं ये वाला, ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पे ऊपर ही रहेगा, इस पर क्लिक करना और इस वाले कार सेट को आप लोग ऐसे सीधा कर देना बीच में और ऊपर वाले को ऐसे इधर घुमा देना, ठीक है, एकदम बीच में इधर ऊपर वाले को कर देना कुछ इस तरीके से, नीचे वाले को बिल्कुल नीचे कर देना और इसको एकदम ऊपर में ऐसे कर देना। ऐसे करने के बाद अभी आप लोग ये जो ब्लैक वाला कलर है इस पर ऐसे क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है, इस वाले पर, ये सेकेंड नंबर पर रहेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद इस पर क्लिक करने वाले जो ऊपर वाला ब्लैक वाला है इसको नीचे एकदम खींच के कर देना एकदम नीचे। ऐसे करने के बाद अभी आप ये वाइट वाले पे क्लिक करना, वाइट वाले पे क्लिक करने के बाद इधर से आप लोग कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको अच्छा लगे, लाल वाला कर लेना या फिर ये ब्लू वाला या फिर ग्रीन वाला, आप अपने हिसाब से कोई भी एक कलर को इधर से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कलर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कहीं भी ऐसे स्क्रीन में टच करेंगे और बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे जहाँ पे हमारा फोटो खत्म होता है 29 सेकंड पे। यहाँ पे आने के बाद इसी वाले पीएनजी पे क्लिक करेंगे जो अभी हम लोगों ने पीएनजी को क्रिएट किया है, इसी वाले सेप पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक मिल जाएगा आपको कार सेट, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा, पूरे वीडियो में डायरेक्ट लग जाएगा और सही से अगर ये एडजस्ट ना रहे तो इस पर क्लिक करना, मोबाइल ट्रांसफॉर्म पर जाना और इसको थोड़ा सा नीचे की साइड में कर देना तो ये अच्छे से बढ़िया सा एक इफेक्ट लग जाएगा नीचे की तरफ में, ठीक है। सो इसको ऐसे लगाने के बाद अभी हम लोग आ जाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे जहाँ से हमारा ये फर्स्ट वाला फोटो आना स्टार्ट होता है 8.21 सेकंड पे। यहाँ पे आने के बाद फिर से हम लोग प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपना उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा सारा मटेरियल है। इधर से मैं उस वाले फोल्डर को कर लेता हूँ सिलेक्ट जिसमें मेरा सारा मटेरियल है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद इधर से हम लोग एक इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड कर लेंगे जो कि हार्ट पार्टिकल वाला इफेक्ट वीडियो है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो में आगे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे और वीडियो पे क्लिक करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसके साइज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से जूम करके बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इसके साइज़ को कम से कम इतना बढ़ाने के बाद अभी हम लोग यहाँ से पैक करेंगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा इफेक्ट का, इस पर क्लिक करना, ऐड इफेक्ट पर जाना और यहाँ पर आप लोग कलर एंड लाइट में जाना और कलर एंड लाइट में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा कलर हॉट कलर, ठीक है, ये देख सकते हैं हॉट कलर, इस पर क्लिक करना और स्टैंडर्ड पे क्लिक करना। उसके बाद इसका जो कलर है आप लोग इधर से अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से कर लेना, जो आप लोगों ने सेप अभी बनाया था जिस कलर का उस कलर को आप लोग इधर से सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ, इसको ब्लू करने के बाद आप लोग टिंट पर क्लिक करना और इसको भी घुमा के उसी कलर पर कर देना ब्लू पर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग घुमा के कर देते हैं कुछ इस तरीके से ब्लू पर। ऐसे करने के बाद अभी हम लोग कहीं भी ऐसे स्क्रीन में टच करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे और लाइटन पे क्लिक करके इसको कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे कहीं भी ऐसे स्क्रीन में टच करना, उसके बाद बिल्कुल वीडियो के एकदम लास्ट में आ जाना जहाँ पर आपका वीडियो खत्म होता है 29 सेकंड पर। यहाँ पर आने के बाद ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इधर से हम लोग कट कर देंगे, इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को इधर से कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अभी जितने भी हमारी सभी फोटोज हैं इनमें हम लोग इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, सेक वाले इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो इफेक्ट को लगाने के लिए अभी आप लोग जो मेरा इसी वीडियो का देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक सेक प्रेसेट का लिंक दे रखा है तो उसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करने के बाद सेकंड नंबर पर एक लिंक मिल जाएगा सेक प्रेसेट लिंक, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा जब वेट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे लाइट मोशन एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारे सामने इधर इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, 0 से 100% तक का प्रोसेस लेता है, तो आप लोग इसमें कुछ भी करना नहीं, आप लोग केवल वेट करना, कहीं भी इधर उधर टच मत करना, फेट करोगे तो डायरेक्ट आपके लाइट मोशन में ये सेक वाला जो प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसको जब हम लोग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे दो फोटो देखने को मिलेगा, तो जो फर्स्ट वाला फोटो रहेगा इसमें आपको अलग इफेक्ट मिलेगा और सेकंड वाले में दूसरा इफेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपनी फर्स्ट वाली फोटो पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करके इस वाले इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से हम लोग बैक करेंगे और मेन वाले प्रोजेक्ट को अपने ओपन करेंगे। तो प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपने मेन वाले प्रोजेक्ट कर लेते हैं इधर से ओपन, जिसपे हम लोग अभी एडिटिंग कर रहे थे। इसको ओपन करने के बाद अपने फर्स्ट वाले बीट मार्क पे आ जाएंगे जहाँ से हमारी फर्स्ट वाली फोटो आना स्टार्ट होती है।
सो यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट जहाँ से हमारी फर्स्ट वाली फ़ोटो आना स्टार्ट होती है। और इधर आने के बाद अपनी फर्स्ट वाली फ़ोटो को ऐसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली फ़ोटो में इफेक्ट को लगाने के बाद अभी सेकेंड वाली फ़ोटो को छोड़ देना है, तीसरी वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पर जाना है और थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये वाली फ़ोटो को छोड़ देंगे सेकेंड वाली को, फिर से हम लोग ये वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। और फिर से हम लोग एक फ़ोटो को छोड़ेंगे और फिर से ये दूसरी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। और ऐसे ही फिर से हम लोग एक फ़ोटो को छोड़ेंगे और एक फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आप लोग सीरियल भाई आपको एक फ़ोटो को ऐसे छोड़ना है, दूसरी को सिलेक्ट करना है, इधर से इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाना है, पेस्ट कर देना है। आप ऐसे ही बाकी की फ़ोटोज़ में इफेक्ट को अप्लाई कर लेना। मैं सब फोटोज़ में इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले इफेक्ट को ऐसे एक एक करके अप्लाई करने के बाद हम लोग फिर से यहाँ से बैक करेंगे और उस सेक वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद अपने सेकेंड वाले इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो सेकेंड वाली फ़ोटो को क्लिक करते हैं, ऐसे इफेक्ट वाले पर जाते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे जिस पर हम लोग अभी एडिटिंग कर रहे थे। यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद सीधा डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ से हमारी फोटोज आना स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने फर्स्ट वाली फोटो में इफेक्ट को अप्लाई किया था, सेकंड वाली को छोड़ा था, तो सेकंड वाली को ऐसे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग एक फोटो को छोड़ेंगे, यहाँ पे तीसरी वाली फोटो में इफेक्ट को नहीं लगाया था, इसको सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जिसमें हमने इफेक्ट लगाया है उसको छोड़ देंगे, जिस पर नहीं लगाया उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से दोस्तों एक एक करके आपको छोड़ते जाना है, एक को अप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो जिस फोटो में अभी इफेक्ट लगाना बाकी है उन सारी फोटोज़ में हम लोग इस वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे। तो आप लोग सेम इसी तरीके से आप लोग सारी फ़ोटोज़ में इफेक्ट को लगा लेना, उसके बाद हमारा जो स्टेटस है यार वो कम्प्लीटली बन के रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग अभी कर लेंगे सेव अपनी गैलरी में। और एक चीज़, वीडियो को सेव करने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि अगर आप लोग अपना इसमें कोई लोगो यूज़ करना चाहते हो, लोगो ऐड करना चाहते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, किसी का भी लोगो, अपने नाम का लोगो ऐड करना चाहते हो, तो इधर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाके अपने उस लोगो को आप लोग ऐड करके इधर नीचे की साइड में लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग इस वीडियो को कर लेंगे सेव। वीडियो को सेव करने के लिए इधर आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर में एक एरो का आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस तीर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन पर क्लिक करके इधर से क्वालिटी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जिस क्वालिटी में हम लोग वीडियो को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं क्वालिटी को कर लेता हूँ सेलेक्ट, उसके बाद फ्रेम रेट पर क्लिक करके इसको फुल कर देंगे और यहाँ सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का, इधर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, ये 100% तक प्रोसेस लेता है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, एक सेव करने का और एक शेयर करने का। तो आप लोग इस सेव करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को सेव कर लेना अपनी गैलरी में। और दोस्तों यहीं से अगर आप लोग डायरेक्ट कहीं पर शेयर करना चाहते हो अपने किसी भी सोशल मीडिया ऐप्स पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, कहीं भी आप यहाँ से शेयर करना चाहते हो या फिर अपने किसी फ्रेंड के पास, तो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आप सबको कैसा लगा है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ही कर देना, जिससे कि जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं एक और अपने इसी तरह के एक नई और ट्रेंडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।